हेलो दोस्तों, आज हम आपको प्रभास की सलार मूवी का रिव्यू देंगे। इस मूवी ने सारी मूवियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशांत नील एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो सभी के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बने हैं। जो आप एनिमल मूवी तक के अभी तक गीत गा रहे थे कि एनिमल मूवी जैसी कोई मूवी नहीं, और जब आप अब जैसे सलार मूवी देखने जाओगे तो आपको एनिमल मूवी उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी, कुछ भी बिल्कुल भी। प्रभास ने इतनी बड़ी इसमें एक्टिंग दिखी है बहुत ज़्यादा, और प्रभास के साथ पृथ्वीराज सिंह हैं। पृथ्वीराज सिंह ने भी अपने किरदार की बहुत बढ़िया भूमिका निभाई इस मूवी में। देखो, सलार मूवी तो एक ऐसी मूवी बन गई है 2023 की जो सबसे बड़ी मूवी बन गई है। इससे बड़ी मूवी तो 2023 में बनेगी ही नहीं। जो अभी डंकी मूवी भी रिलीज हुई थी सलार मूवी के साथ साथ ही, और तो डंकी को तो प्रभास ने बिल्कुल ही पीट दिया। शाहरुख खान की तो कोई अहमियत ही नहीं रही सलार मूवी के आगे। और जब प्रशांत नील है, वो ऐसी जो उनकी केजर मूवी कुछ टाइम पहले उन्होंने बनाई थी, उन्होंने खुद ही अपनी ही मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसी और से उनकी मूवी का रिकॉर्ड टूटा भी नहीं। केजर के बाद अब सलार मूवी आई है 2023 की। तो इसने कल इस मूवी में जब हम देखने गए थिएटर, तो पता नहीं बस 3 घंटे ऐसा लगा कि 3 घंटे किधर से किधर को निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। यार, जब भी आप इस मूवी को देखने जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि पता नहीं हम इस दुनिया में ही खो गए इस मूवी की। भी इस तरीके से प्रशांत नील लेकर आते हैं अपनी मूवी को बना के, कि देखने वाले को ऐसा ही नहीं लगता कि मैं मूवी देख रहा हूँ, थिएटर में बैठा हूँ। उसे ऐसा लगता है कि मैं खुद अपनी लाइफ में जी रहा हूँ। तो प्रभास, और मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हो तो आप भी खून खराबे से भी डरते हो, तो प्लीज़ आप टिकट बुक ना करिए, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि इस मूवी में जब भी आपको प्रभास की एंट्री मिलेगी, वो किसी को मारते काटते हुए ही मिलेंगे इस मूवी में। और पृथ्वीराज सिंह, इस मूवी में दो दोस्तों की कहानी दिखाई है, और इस मूवी में एक तरीके से प्रशांत नील है, जो महाभारत में कर्ण लड़ाई हुई थी, एक तरफ दुर्योधन और एक तरफ अर्जुन था, तो समझ लो इसी तरीके से उसमें तो दुर्योधन के साथ कर्ण था, और इस सलार मूवी में खुद दुर्योधन के सामने कर्ण खड़ा है। वे एक दूसरे की जान लेने की उस प्रयास में रहते हैं कि मैं इसे मारूं। तो समझ लो इस एक तरीके से इस मूवी में आपको एक तरीके का महाभारत भी देखने को मिलेगा, जिसमें दो दोस्त एक दूसरे पर मारने को तैयार रहते हैं। और जो पृथ्वीराज सिंह जी हैं, वो आपको इस मूवी के दूसरे पार्ट में बहुत ही अच्छे रोल में मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका दिखाई दे जाएगी। बस कुछ नहीं, इस मूवी में जैसे केजब के ऊपर है गद्दी के ऊपर लड़ाई है, ऐसी ही इस सलार मूवी में भी गद्दी के ऊपर ही दिखाया गया है। आपको इसमें प्रभास दिखाई नहीं देगा। प्रभास चित्र को एक तरीके का खूंखार जानवर बनना पड़ा है। प्रभास हर टाइम काटना पीटना ही है इस मूवी में। और देखो, मैं तो मूवी देखने गया था, मुझे तो बिल्कुल इतनी अच्छी लगी है मूवी, समझ लो आज तक मैंने इतनी बढ़िया मूवी देखी नहीं। जब मैं इस मूवी को देख रहा था तो बिल्कुल मूवी को देखते देखते खो गया था कि यार मूवी देखने आया हूँ या कुछ और ही, जैसे कि खुद लाइफ में ऐसा हो रहा हो, ऐसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल इस मूवी में। और आपको इस मूवी में एक एक जो शॉट दिखाया गया, छोटे से शॉट को भी इस तरीके से दिखाया गया कि आपको बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा। और जब कल थिएटर में प्रभास की एंट्री हुई तो इतना रोली मच गई कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक प्रभास ने बाहुबली के बाद कोई सुपरहिट मूवी दी नहीं थी। तो जो बाहुबली के 8 साल बाद ही उनकी एक सुपरहिट मूवी आई है, और इस मूवी ने 2023 तक के सारे ही रिकॉर्ड ये मूवी तोड़ देगी, क्योंकि एक दिन में इसने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली है। एनिमल तो कुछ नहीं है इसके सामने, कुछ भी बिल्कुल भी, जैसे कि समझ लो एक कोई में से एक बाल्टी पानी निकाल ले, समझ लो इस तरीके से एनिमल है। और कोआ समझ लो सलार मूवी को। और प्रशांत नील जो समझ लो डायरेक्टर हैं, ये इतने अच्छे तरीके से अपनी मूवी को लेकर आते हैं बना के,
जो टैग तो लगता है इनकी मूवी में, मगर जब इनकी मूवी आती है ना तो सभी की मूवी को पछाड़ देती है। यह साउथ की बहुत बड़ी मूवी बन जाएगी। साउथ की क्या बॉलीवुड को दर्शन सुन रहे, एक तरीके का चापत चापत मार दिया कि तुम तो ऐसी मूवी बना ही नहीं सकते। प्रशांत ने लिया सलूट है यार भाई आपको, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि देखो मैं आपसे बता दूँ मैं छोटा यूट्यूबर हूँ तो कैमरे में थोड़ी क्वालिटी और वॉइस में थोड़ी अच्छी आपको अच्छा नहीं लगेगा तो उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे जब हमारा भी जो चैनल अभी ग्रो करेगा तो हम भी थोड़ा अच्छा कैमरा ले आएंगे, और आप सब अपना प्यार बनाए रखिए तो सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा भाई को थोड़ा छोटा भाई समझ सपोर्ट करना, और आप भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो देख लो। और हाँ आप मैं बता दूँ, अगर आपको खून खराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इस मूवी को देखने ना जाए, क्योंकि इस मूवी में ज़्यादातर खून खराबा ही दिखाया गया है। और जो पृथ्वीराज सिंह है तो उन्होंने ही बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया इसमें, और प्रभास को तो समझ लो कोई बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभास तो समझ लो बाहुबली मूवी आपने जरूर देखी होगी तो बाहुबली समझ लो इतनी अच्छी लगी थी, और बाहुबली से भी कई गुना अच्छी है। तो मुझे तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। और भाइयों आपने भी ये जिस जिस भाई ने भी मूवी देखी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।